Dear students, welcome to Education with Avan and welcome to MA Online Academy. My name is Zabinda Shafkat and I'm a CS teacher. The subjects which I'm going to teach you are of CS subjects. All the CS subjects, मैं आपको तमाम CS के subjects जो हैं वो study करवाऊँगी यहाँ पे. Actually, मेरा यहाँ पे अभी first और new लगा लें न्यू टाइम है, फर्स्ट टाइम है मैं इस चैनल पे और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो रही हूँ विद द पर्पस ऑफ एजुकेशन. तो मेरा मकसद जो है वो जस्ट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म से सीएस के तमाम सब्जेक्ट्स की मालूमात फ्राहम करना है और मैं आपको बहुत इजी वे में सीएस के तमाम सब्जेक्ट्स को गाइड करूंगी और आपको नॉलेज दूंगी उससे मुतल्लिक कि इसमें क्या चीज़ें हैं, बेसिक्स हम क्या सीखते हैं इसमें. अब जितने भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं जिनमें बीएससीएस हो जाए या बीबीआईटी हो जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके सीएस के सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी जो हैं कोड इसमें शामिल हैं. इस सब्जेक्ट लिस्ट जो है वो बहुत वास्ट है बिकॉज़ ये फील्ड बहुत वास्ट है. इस वजह से इसमें हम बहुत सा नॉलेज गेन करते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के बारे में. हम जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी मालूम आते हैं उसको हम देखते हैं, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन चीज़ों का जो स्टडी है वो हम इसमें करते हैं. बेसिक जो था मेरा मकसद आज की वीडियो बना के आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर का वो ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हम अब इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सीएस सब्जेक्ट की सीरीज़ थ्रू आउट द योर फाइनल टर्म, मिड टर्म और आपके असाइनमेंट्स, क्विजेज, जीडीबीज सब इंक्लूड होंगे इसके अंदर, जिनकी आपको वक्त के साथ साथ जो है वो अपडेट्स मिलती रहेंगी. सो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छा और इजी वे में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगी और इंशाल्लाह मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे में एंड इजीएस्ट वे में प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड कंप्यूटिंग जो है वो सिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगी और इंशाल्लाह आप उससे ज़रूर अपने करियर में फ़ायदा हासिल करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात यह है कि आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत इन टच रहना पड़ता है. इन टच रहने से मुराद ये नहीं है कि आप बस इसी में पढ़ते रहो, इसको और इसको बस देखते रहो. बस ये बात है कि आप जस्ट इसकी टेक्निक्स, बेसिक्स और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वही कवर कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. क्योंकि सारे हैंडआउट्स पढ़ना या उनके मतलब सबको स्टडी करना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है. क्योंकि आप एक सेमेस्टर में सिक्स फोर मंथ आई थिंक टाइम्स मतलब होता है मिनिमम आपके पास, उसी में आपने अपने फाइनल मिड टर्म की तैयारी भी और हर चीज़ देखनी होती है. सो इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे हैंडआउट्स को जो है वो थॉरली रीड करें. सो हमें बस जस्ट ये देखना होता है इसमें कि बेसिक्स क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्पफुल साबित हों, उनको डिस्कस करना होता है हमारा मकसद. और मेरा भी कुछ इसी तरह का मकसद है कि मैं आपको जितने सीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट की सीरीज़ है वो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में, आपको शॉर्ट वीडियोस की सूरत में मिलेगी, जो आप इजीली जो है अवेलेबिलिटी ले सकते हैं इस चैनल से. तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे न्यू हूँ, जस्ट अब मेरा स्टार्ट है. तो आप मुझे, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप मुझे प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा इस चीज़ में. सो चलते हैं हम अपनी सीरीज़ की तरफ के हम इसमें क्या, मैं आपको क्या, कौन से कोर्स, कौन से सब्जेक्ट्स बेसिक जो बच्चों को ज़रा लगते हैं कि मतलब मुश्किल भी लगा लें या लगा लें थोड़े ट्रिकी से, सो वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे और सीखेंगे. सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट CS001 जो कि ज़ीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, जिसमें आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के नाम से इसका जो है वो सब्जेक्ट है ये. सो हम इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपके पास बिल्कुल बेसिक्स आ जाती है कंप्यूटर की. जिन्होंने तो पहले कंप्यूटर पढ़ा हो थोड़ा बहुत, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाता है. बस कुछ फर्दर चीज़ें हैं इसमें एडअप हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं और बहुत इजी वे में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे.
उसके बाद हमारे पास आता है CS 101 विच इज़ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सीखेंगे हम. कंप्यूटर का तारुफ है उसमें, वो सारी बुक उससे रिलेटेड है जिसमें आपको मेन पॉइंट्स, मेन चीज़ें, मतलब डिजिटल एनालॉग मतलब क्या है और वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं, मतलब क्या कंप्यूटर की बिहाइंड काम हो रहा है, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन, नॉट डिटेल्स. सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बताया जाता है कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सब चीज़ों का कंटेंट जो है इसमें शामिल है. इंशाल्लाह हम उसको एक इजी वे में ऑर्गेनाइज करके आप तक पहुंचाएंगे. उसके बाद CS 201 की हमारे पास आ जाती है बुक जो कि जस्ट प्रोग्रामिंग है. थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी का पार्ट होगा बट प्रोग्रामिंग ज़्यादा है क्योंकि इसमें सी लैंग्वेज है. सी लैंग्वेज हमने सीखनी है इसमें. सो सी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली थोड़ी सी टफ और ट्रिकी समझी जाती है, लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसे कोडिंग करेंगे और कोड प्रोवाइड करेंगे आपको कि आप ईजी वे में अपनी असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर सकें और पेपर्स भी अच्छे दे सकें आप. सो ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए. उसके बाद हम करेंगे CS 301 जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स है. इसमें भी हम डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे कैसे बनाते हैं. उसके बाद CS 504 है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है. फिर CS 403 है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है वो सीखेंगे. फिर उसके बाद आएगा हमारे पास CS 304 विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट को भी हम डिटेल से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर कोई थोड़ी बहुत लगे आपको मिस्टेक तो उसके लिए सॉरी. सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप प्रेइंग फॉर मी. आई एम न्यू ऑन द न्यू दिस यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट मी. और आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरीज़ के लिए एकेडमी की जो है एजुकेशन विद अवान में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कांटेक्ट नंबर मैं बोल रही हूँ सर अवान का 03094060842. सो किसी भी क्वेरीज़ की सूरत में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह जल्द रिप्लाई किया जाएगा आपकी किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम पे. सो यहीं तक था मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके साथ. इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी आपकी वीडियो सीरीज़ के साथ, लेक्चर सीरीज़ के साथ. तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग मी. तो बस इतना ही आपसे इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू.